अब देखो जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे मन में एक बार थॉट स्टार्टिंग में जरूर आया कि एक्चुअली मैं इसको क्यों देखना चाह रहा हूं, और वहीं पर मैंने अपने आप को ही रिप्लाई दे दिया क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर के बारे में जानना था जिस पर ये बेस्ड है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने जो दिखाया ना उसको देख करके मेरा रिएक्शन कुछ इस हिसाब से निकला। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, मेरे घर पे चलो। कुछ भी, कुछ भी। देखो भाई, अगर आपको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक नई ड्रामा पिक्चर रिलीज की गई है जिसका नाम है ब्लॉन्ड, और अभी मैंने जस्ट इस पिक्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है जिसको देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको ये पिक्चर हिंदी डबिंग में मिल जाएगी और इसकी हिंदी डबिंग काफी जबरदस्त। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिक्चर को आप अपनी फैमिली के साथ फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इस पिक्चर में आपको बहुत सारा न्यूडिटी वाला माल देखने को मिलेगा और कुछ कुछ जगहों पर आपको ये सब भी मिलेगा। मतलब भाई इस पिक्चर को आपको अकेले साइड में बैठ के देखना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर ओवरऑल 3 घंटे की है तो क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है या फिर नहीं, बस आज की इस वीडियो में ज्यादा टाइम तो मैं आपको ये एग्जैक्टली बताऊंगा। देखो अगर थोड़ा इसके बेसिक प्लॉट की बात करें इसको बिना स्पॉइल किए, तो देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में ये एक बायोग्राफी है मर्दिल मुन्रो के कैरेक्टर पर, और अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली में ये कौन थी तो बस आप गूगल कर लेना क्योंकि इनकी हिस्ट्री काफी बड़ी है। तो उस पर बात ना करके अगर बात करें इस पिक्चर की, तो इस पिक्चर में आपको इन्हीं की जर्नी देखने को मिलती है जो कि चाइल्डहुड से लेकर के आपको सारी चीजें प्रेजेंट करती है, यानी कि उनके चाइल्डहुड में कैसा ट्रॉमा उनके साथ हुआ था, उनकी मदर को लेकर के और जो भी चीजें हुई थी वो सब आपको दिखाई जाती हैं, और आगे जाकर के इनके साथ क्या हुआ, कैसे ये फिल्म लाइन में आई, और फिर दुनिया जमाने की जो इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई, उन्हीं सारी चीजों को इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है जिसको जानने के लिए आपको इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। अब अगर बात के मुद्दे की, पर्सनली एक्चुअली में इसको लेकर के मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो टू बी ऑनेस्ट ये जो नेटफ्लिक्स ने कारनामा क्रिएट किया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि भाई मैं इसको एज ए बायोग्राफी ड्रामा देख रहा था। आई मीन जो मर्लिन की जर्नी रही है, जो उसकी दुनिया रही है, जो उसके अगल बगल लोग रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा था, ये सारी चीजें मैं लेकर के इस पिक्चर को देखने बैठा था, बट उसकी जगह पर नेटफ्लिक्स ने न्यूड सीन्स दिखा दिए। सो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में जानना था, ना कि न्यूड सीन्स देखने थे। चल झूठा। एक चीज जरूर बोलूंगा कि यस, ये जो पिक्चर है टेक्निकली काफी ज्यादा वेल मेड क्योंकि पिक्चर की फोटोग्राफी में जिस हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट चीजों का यूज किया गया है, जो कलर चीजों का यूज किया गया है वो काफी कमाल। इवन जिस हिसाब से डायरेक्टर ने एस्पेक्ट रेशियो को यूज किया है इस पिक्चर में एज ए क्रिएटिव चॉइस, वो भी देखने में काफी अच्छा लगता है। अब ऐसा क्यों था, कहीं पर वो छोटा दिखता है, कहीं पर वो बड़ा हो जाता है, वो तो डायरेक्टर ही जाने, बट हाँ वो देखने में मुझे ठीक लगा। बट अगर बात करें मर्लिन और उसके अगल बगल जो लोग थे उनके साथ उसकी केमिस्ट्री की और उनकी डेवलपमेंट की, तो इन सारी चीजों में इस पिक्चर ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि ना तो इस पिक्चर के जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी डेवलपमेंट की गई है, ना ही उनको अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं, और ना ही उनकी केमिस्ट्री में उतना दम है जिसकी वजह से इस पिक्चर को आप एटलीस्ट 3 घंटे तक तो झेल ही जाओ। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो इन केस अगर आप ये सोच करके इस पिक्चर को देखने जा रहे हो कि आपको मर्लिन का जो कैरेक्टर था, उसकी जो दुनिया रही है, उसकी लोगों के साथ जो केमिस्ट्री रही है वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, तो सॉरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बट आपको फील नहीं होंगी। बाकी अगर आपको एडल्ट सीन्स देखना है तो पिक्चर को मजे के लिए चेकआउट मार लें। अदरवाइज इस पिक्चर ने अपनी कहानी, इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट, उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल एंगल को लेकर के मुझे एक अच्छा खासा डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मैं इस पिक्चर को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 5.8 out of 10 star। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं समझता हूं कि आपको पिक्चर कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।